जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं न्यू दिल्ली में हूं और आप न्यूयॉर्क में हैं। जी सुधीर जी, आप आने वाले थे यहां, मगर एनीवे आपको फोन पे पाके, आपको टीवी पे पाके दिल्ली से अच्छा लग रहा है। जी, मैंने सोचा तो ये था कि मैं न्यूयॉर्क में मैं आता और हम दोनों वहीं मिलकर एक साथ बातचीत करते, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसलिए आप ही के जरिए हम भारत के देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका की हवाओं में, अमेरिका की फिजाओं में क्या इस बार आपको भारत को लेकर कुछ ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है? क्या इस बार राष्ट्रवादी जो हवाएं हैं वो न्यूयॉर्क में पहले के मुकाबले ज्यादा चल रही हैं? आपसे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं और पूरी दुनिया उनकी चर्चा कर रही है। बहुत ऐतिहासिक विजिट रहा है प्रधानमंत्री का ये सुधीर जी। ये हमारे देश के जो तीन कलर्स हैं झंडे के, वो इस समय यहां की फिजाओं में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं और हिंदुस्तानी लोग जहां भी कहीं जा रहे हैं गर्व से अपना सीना ऊंचा करके बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्रधानमंत्री ने यहां का माहौल बनाया है हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान के बारे में उनकी वहां की खासियत, यहां की खासियत के बारे में बता के कि हिंदुस्तान क्यों सबसे बड़े देशों में से सबसे माहौल बनाने में और इसकी बात दुनिया तक पहुंचे में बहुत सफल रहे हैं। ना केवल आवड़ी मुड़ी किया, 50,000 लोगों ने एक देश के प्रति था, देश के जो एक प्रतीक बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट किया था, जो देश विदेश की जनता ने देखा, वो बहुत ही कमाल का था। और उसके बावजूद भी मैं तो अब यहीं काम कर रहा हूं, तो यूएन में जितनी भी उनकी जो अलग अलग गोष्ठियां हुई हैं, मैं उन गांधी एट 150 गोष्ठी में मैं खुद भी गया था, वहां पर जो उन्होंने बातें की उनके साथ सात अलग अलग देशों के प्रीमियर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आए थे। फिर उन्होंने जो वातावरण के बारे में जो बात की है, जो बिल गेट्स के वहां पर जो उन्होंने स्पीच दी है, तो उन्होंने एक ऐसा माहौल और ऐसी वास्तविकता फैला दी है और पेश कर दिया, जिसको सुनकर, जिसको देखकर, जिसको महसूस करके हर हिंदुस्तानी का जो है मस्तिष्क जो है और हर हिंदुस्तानी का दिल जो है, वो छाती जो है, वो गर्व से चौड़ी हो जानी चाहिए। देखिए, हमारा देश पिछले 70 सालों में बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके बारे में एक जब देश का मुखिया, रिप्रेजेंटेटिव बढ़ चढ़कर और वास्तविकता के बेस पर फैक्ट्स के साथ दुनिया तक पहुंचाता है, तो तब दुनिया का ध्यान उस तरफ जाना स्वाभाविक है। और ऐसा हुआ है यहां पर उनके इस पूरे ट्रिप में। मैं कहता हूं कि ये पूरा ट्रिप जो है, उस ट्रिप की वजह से हिंदुस्तान की जो एक अहमियत है, हिंदुस्तान को लेकर जो लोगों के प्रति, लोगों के मन में विचार हैं, वो बहुत ऊपर चले गए हैं। और ये किसी कोई पीआर एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि विदेश वाले लोग पीआर एक्सरसाइज पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज जब दूसरे देश के लोग आते हैं। मगर मैं ये कहना बिल्कुल अनुचित नहीं समझूंगा कि हमारे देश की जो साख है वो वर्ल्ड में इस समय बहुत ऊंची है, और इस बात का मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ गर्व है। जी अनुपम जी, आप भारतीय भी हैं और आप कश्मीर से भी आते हैं, आपने कश्मीर का वो दर्द झेला है, आपने सहा है, और आप अमेरिका जैसे देशों में वर्षों से आ रहे हैं, बाकी भी दुनिया भर में घूमते हैं, आपको क्या अंतर इस बार दिख रहा है? देखिए, जो हाउडी मोदी की जो वो जो बहुत बड़े पैमाने पर जो एक फंक्शन हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा अप्लॉज प्रधानमंत्री की स्पीच को अगर किसी चीज पे मिला, तो वो आर्टिकल 370 के बारे में जब उन्होंने जिक्र किया था, उससे बड़ा अप्लॉज उनको, मतलब उस स्पीच में उससे बड़ा अप्लॉज नहीं था। तो ये इस बात, मैं थोड़ा हैरान इसलिए हुआ था कि मुझे लगता था कि आर्टिकल 370 के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। हाँ, ये जानते हैं कि एक आर्टिकल जो है इसमें ये त्रुटियां हैं, ये प्रॉब्लम है। मगर उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब सरकार के फैसले से, प्रधानमंत्री के फैसले से, हमारे देश की ताकत का, हमारे देश की जो एक दृढ़ निश्चय का, इसका एहसास दुनिया भर के हिंदुस्तानियों में गया है। और जब सरकार की या प्रधानमंत्री अपने करेज की बात करते हैं, तो
इतने सारे करोड़ों हिंदुस्तानियों की रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाती है। तो वो एक सिंबॉलिक जेस्चर था ये बात का कि जब इतने बड़े समूह ने, 50,000 से ज्यादा लोगों के समूह ने उसको सराहा और उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और फिर मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि प्रधानमंत्री ने उन तमाम सांसदों को के लिए भी स्टैंडिंग ओवेशन मांगा जिन्होंने इस आर्टिकल को खत्म करने की बात के लिए मदद की थी जी। तो जब कश्मीर अनुपम जी, जब आप लोगों से यहां मिलते हैं, जब आप जो लोकल लोग हैं यहां के अमेरिकन्स जो हैं उनसे जब आप मिलते हैं, उनके परसेप्शन में आपने कितना बदलाव देखा भारत को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, कश्मीर को लेकर? काफी काफी चेंज आया है, काफी चेंज आया, बिकॉज लोगों को आर्टिकल 370 इससे पहले इसका हटना यह था कि कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों का, कुछ लोगों का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। पर जिस तरह से इतने बड़े मंच पर जब प्रधानमंत्री ने समझाया कि आर्टिकल 370 के तहत या 35A के तहत हिंदुस्तान में, कश्मीर में वहां के लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा था, तो वो उनकी समझ में आया। तो वो बदलाव बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से नजर आता है। अब कुछ लोग तो हैं जो हमेशा, जिनको परेशानी रहेगी, वो कोई ना कोई मुद्दा उठा के ढूंढते रहेंगे, लेकिन द परसेप्शन ऑफ पीपल हैज चेंज्ड, आई विल से टू 95% दैट दिस इज अ हिस्टोरिकल स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर अमेरिकन हो या यहां पर इंटरनेशनल मीडिया हो, उनका अगर वो एक एजेंडा छोड़ दें तो एक आम नागरिक के दिल में इस बात का बदलाव जरूर आया है कि ये एक त्रुटि थी हमारे संविधान में, या ये एक प्रॉब्लम थी वहां के नागरिकों के लिए कि जो उनको जो समानांतर अधिकार या जो सुविधाएं पूरे देश में बाकी नागरिकों को मिल रही थी वो इनको कश्मीर में नहीं मिल रही थी। मैं इस समय अपनी तकलीफ, अपनी दुख या कश्मीरी पंडित होने की बातें मैं करना भी नहीं चाह रहा हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि जब इस तरह का कोई ऐतिहासिक निर्णय होता है तो उसमें अच्छाई क्या है इसको दुनिया तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है, और वो अच्छाई प्रधानमंत्री लोगों तक पहुंचा पाए हैं, और उसका बदलाव यहां के नागरिकों में, यहां के लोगों में, इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल बिरादरी में साफ नजर आने लगा है जी। आखिर में आपसे बस ये जानना चाहता हूं, आज तो आपने कॉलर वाली शर्ट नहीं पहनी है, लेकिन अगर आप जब कॉलर वाली शर्ट पहनते हैं तो थोड़ा इस बार कॉलर ज्यादा ऊपर करके चलते हैं आप? सर मेरा कॉलर ऊपर हो या ना हो, मेरा दिल और मेरा जो स्वाभिमान है वो बहुत ऊपर है इन बातों को लेकर जी। मैं मेरी यहां पर जितने भी हिंदुस्तानी मुझे नजर आते हैं, चाहे वो टैक्सी के ड्राइवर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, वो सब उनके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन है तिरंगे का। और तिरंगा इस बात का सबूत है कि हमारा सम्मान, हमारा मान जो है हमारे सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इतना ऊंचा कर दिया है कि अब सबका उन्नत ललाट यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक नजर आता है। अनुपम जी बहुत बहुत वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड इंडियन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। फेस टू फेस तो बात नहीं हो पाई, लेकिन जल्द ही दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आपने जो बताया न्यूयॉर्क से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वहीं बैठा हुआ हूं, एंड आई कैन फील इट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरा प्यार दीजिए सबको जी। थैंक यू सो मच।